एमपी से हैं निशा, स्वागत है मैम आपका। निशा जी बात कीजिए। हेलो जी हेलो। हाँ बोलिए मैम, बात पूरी कर लीजिए, आपकी आवाज़ साफ आ रही है हम तक। सर, वो सर आपने मुझे नुस्खा बताया था गोरे होने के लिए, अलसी, आंवला और गोंद मोरिंगा गन्ने के जूस से निहार मुंह। तो सर गन्ने का जूस मिल पा रहा है तो उसके अलावा कुछ ले सकते क्या? जी जी। अच्छा सवाल किया है बच्चा। और सर हाँ एक और था सर, हमको ना पीसीओडी का प्रॉब्लम था तो आपने उसके लिए हमको अलसी, नमक, जैतून और खाने का सोडा बताया था। सर ना हमारा दिक्कत ये है कि ना सर वेट ना मतलब बिल्कुल कम नहीं होता, सर वेट बढ़ता ही जा रहा है सर, उसके लिए खाने थे तो उसके लिए भी पूछना था। ठीक। जी ठीक है। वेट लॉस के लिए डाइट कंट्रोल ज़रूरी है। जितनी आपकी खुराक है उससे आधी खुराक कर लें, और बग़ैर दवा के भी आपका वेट कंट्रोल हो सकता है। देखिए बहुत आसान है। मैं जब वेट कम करता हूँ अपना, तो कोई दवा नहीं लेता। दवा तो मजबूरी है। तो मैं सुबह को एक प्याली दाल चम्मच से खा लेता हूँ या पी लेता हूँ। दोपहर को एक फल कोई खाता हूँ, एक सेब या एक अमरूद ये, और शाम को खाना खाता हूँ जो जितनी मेरी खुराक है उससे आधा। तो रोज़ाना तोल के मैं 50 ग्राम या 100 ग्राम कम हो जाता हूँ। जितना चाहूँ वज़न कम कर लूँ। ये डाइट कंट्रोल, इसमें किसी दवा का दखल नहीं। हाँ, पैदल भी चलता हूँ 1 घंटा, पानी भी 5 गिलास पीता हूँ गर्म। ये बगैर दवा का इलाज है। और डाइट कंट्रोल इतनी ज़रूरी है कि बगैर दवा के भी आप अच्छे हो सकते हैं। और बच्चा देखो, इसके लिए एक जीरे का सिरका भी आता है, असली लें, दो दो चम्मच, दो तीन बार ले सकते हैं खाने से पहले, खाने के बाद। इससे भी वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भी बहुत नुस्खे हैं। और क्या सवाल था इनका? गोरे होने के लिए आपने एक नुस्खा बताया था, गन्ने का जूस नहीं मिल रहा है हाँ इनको हाँ जी। हाँ असली सवाल तो रह गया। जिनको गन्ने का जूस ना मिले, तो गन्ने का गुड़ आता है, पीला पीला होता है। आप तो बच्चे हैं, पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन पंसारी के यहाँ मिलता है। तो वो उस गुड़ से को पानी में घोल लें, और गन्ना जितना, गन्ने का जूस जितना मीठा होता है इतना मीठा कर लें। उसे जायकेदार बनाने के लिए उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, तो वो जायकेदार हो जाता है। जब तक गन्ना नहीं मिलता है तो उससे लें, तो ये वही काम करेगा। और जब गन्ना मिलने लगे तो गन्ने के जूस से लें, काफ़ी फायदा होता है। जी मेरा आजमाया हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।